नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनोरंजना.com। दोस्तों आज मैं जो यस बैंक की आपको खबर दिखाने वाला हूं, उम्मीद करता हूं आप अगर ये खबर सुन लेंगे या देख लेंगे तो आपके जो पैरों तले की जो ज़मीन है वो खसकना तय है, यकीन मानिए। इसलिए दोस्तों कसकर बैठ जाइए और पूरी खबर लास्ट तक ज़रूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इतनी बड़ी खबर है जितना बड़ा आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा, ठीक है। तो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप भी है जिसमें आपके 2500 रुपये एक महीने में सेव होने वाले हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा वेट ना करते हुए सीधा आपको लेके चलता हूं मैं खबर पे। तो खबर है दोस्तों यस बैंक की। यस बैंक में आज जो आप तेज़ी देख रहे हैं 5 से 6% की, उसके पीछे का जो मेन कारण है वो जब आप जान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी तेज़ी क्या क्यों हुई है और ये हो गई है अगर तेज़ी तो क्या यहाँ पर ख़त्म होने वाली है, ठीक है। सारा कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो में हम डिटेल में। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस बता देता हूँ, ठीक है। मैंने जो परसों के वीडियो में डाला था और ये लेवल जो आपको मैंने दिखाया था, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, किसी भी टाइम अगर इसके ऊपर स्टॉक आ जाएगा तो आपको 50 रुपये तक स्टॉक की कीमत आते हुए देर नहीं लगेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ मेन खबर क्या है। तो खबर दोस्तों ये है कि SBI के जो चेयरमैन है रजनीश कुमार ने कहा है कि यस बैंक को फेल होने ही नहीं देंगे। इसका क्या मतलब है दोस्तों फेल नहीं होने देंगे, कि जो बाज़ार में अटकलें चल रही थी यस बैंक फेल हो जाएगा, यस बैंक पूंजी नहीं जुटा पाएगा, यस बैंक जीरो हो जाएगा, तो यस बैंक का दोस्तों अब जीरो होने के चांसेस यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसका ये मतलब है कि यहाँ देखिए, अभी एक मिनट पहले की आपको खबर बता रहा हूँ मैं, SBI चेयरमैन रजनीश ने स्टेटमेंट फॉलो क्या किया कि जो स्पेकुलेशन हो रहा था कि गवर्नमेंट में आस्क, ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, जिन्होंने जो यस बैंक में पैसा दे के बैठे हैं उनको, लेकिन इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि वो फेल नहीं होगा यस बैंक सेल्स प्राइस। अब इस खबर को देखते हुए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो 80% की जो इरेज हुआ है, ठीक है, एक साल में इस खबर के चलते कि एसेट क्वालिटी बिगड़ गई है, NPA बिगड़ गए हैं या बढ़ गए हैं, ठीक है, प्रमोटर छोड़ के जा रहे हैं, प्रमोटरों ने अपना हिस्सा जो है वो गिरवी रख दिया, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक दोस्तों उसके चेयरमैन अगर इस तरह की बात करते हैं तो उस बात में बहुत ही वजन होता है, बात बहुत ही सॉलिड होती है। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, द हेड ऑफ इंडियाज बिगेस्ट लेंडर, यानी कि इंडिया के सबसे जो बड़े लेंडर हैं, उन्होंने कहा है कि सम सॉल्यूशन विद इमर्ज, यानी कि कुछ ना कुछ उसका समाधान निकल आएगा। किस पे? यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आया था न्यू कैपिटल पे, ठीक है, कि यस बैंक अगर नई कैपिटल ला रहा है तो उसका क्या होगा, किस तरह से उसका चुकाएगा, नई कैपिटल आएगा तो कितना पैसा जो है वो शेयर कैपिटल में जाएगा, कितना शेयर कैपिटल जारी होगा, किस प्राइस पे शेयर इशू होगा, यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आ रही। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने कोट करके बताया, यस बैंक इज सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द मार्केट विद ऑलमोस्ट 40 बिलियन बैलेंस शीट। और यहाँ पर देखिए $40 बिलियन की बैलेंस शीट है इसके पास, और ये बात किसने कही है, ये बात कही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो दोस्तों वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइए, क्योंकि मैं आपको लास्ट में कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसा देने वाला हूँ जो आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो आप उसके दीवाने हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुमार साहब ने कहा है कि स्टेटमेंट फॉलो स्पेकुलेशन दैट। अब यहाँ पर दोस्तों बाज़ार में कुछ इस तरह की हवाएं चलती है कि ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन स्पेकुलेशन को या इन तरह की जो सट्टेबाजी जो कार्रवाई चल रही थी इस पर रोक लगाते हुए क्या कहा है उन्होंने कि द गवर्नमेंट विच कंट्रोल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सरकार जो कि SBI को कंट्रोल करती है वो लेंडर से पूछेगी क्या कि आप क्या रोल अदा कर सकते हैं इस टाइप के जो बेल आउट पैकेज अगर दिया जाता है। मान लीजिए बेल आउट पैकेज जो होता है दोस्तों, आपको अगर पता हो तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ उसके बारे में। कोई भी इंडस्ट्री जब डूब रही होती है, कोई व्यवसाय जिस समय डूब रहा होता है, तो सरकार उसको विशेष राहत का पैकेज देती है, ठीक है, तो हो सकता है वो बिना ब्याज का हो या कम ब्याज पे मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर याद होगा तो कुछ समय पहले हमारे यहाँ एयर इंडिया को बेल आउट पैकेज मिला था, ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों IL&FS का जो DHFL वाला है उस पर इस तरह की बातें चल रही हैं, अब यस बैंक भी उसमें शामिल होने वाला है। तो दोस्तों ये खबर कितनी बड़ी है, अगर मान लीजिए ये खबर सही होती है, ठीक है, और इसको अगर आप सही साठ तरीके से समझ लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ कि ये जो आपको यहाँ पर 5 से 6% की तेज़ी लग रही है, ये 15 से 16% होते हुए समय नहीं लगेगा, इसको तुरंत ऊपर भाग जाएगा ये। तो खबर ये है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए एक साल में 80% की अपना जो वेल्थ है ख़त्म कर दी है यस बैंक ने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो ये है दोस्तों कि एक तो ये एवेंडो में भी बैन में है, इसलिए यहाँ पर इसकी जो कीमत है वो अभी इतनी लिमिट में है, ठीक है, जैसे ही बैन से बाहर आएगा इसमें
ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब जो कीमत है वो पता नहीं 50 पे चली जाएगी, 60 पे चली जाएगी या 100 पे चली जाएगी। मतलब इतना भयंकर तरीके से विस्फोट होगा इस खबर के चलते। अब इनिशियल रिएक्शन देख रहे होंगे आज, वह अगर मैं आपको यहाँ पर वॉल्यूम ऐड करके दिखाऊँ तो आप समझ जाएंगे कि इससे क्या होगा, ठीक है। और यदि आप ये ऑफ मार्केट में वीडियो देख रहे हैं तो आप भी एक बार इसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो वॉल्यूम आज का देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस खबर के चलते कितना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर आया है। यहाँ देखिए दोस्तों, ठीक है, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ देखिए पिछले हफ्ते से कोई वॉल्यूम नहीं था, लेकिन दोस्तों अब अचानक इसमें वॉल्यूम स्पाइक आया है, यानी कि ये खबर बहुत ही पॉजिटिव है। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का न्यूज़। अब मैं आपको देने वाला हूँ एक गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, कि ये जो मोबाइल ऐप है, और दोस्तों डिस्क्लेमर के साथ, ये कोई मेरा पेड प्रमोशन नहीं है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप ये कौन सा मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सा कॉल आपको सस्ता मिल रहा है, कौन सा पुट ऑप्शन आपको सस्ता मिलेगा, ठीक है, कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए या पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए, कहाँ पर आपके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये सारा कुछ मिलेगा दोस्तों इसके मोबाइल एप्लीकेशन में, और वो भी प्रो वर्जन में। इसके दोस्तों दो वर्जन है, एक बिना पैसे दिए आप सादा वर्जन यूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, और एक है प्रो वर्जन, उसके पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आप दिल छोटा मत कीजिए, आपके लिए मैं लाया हूँ फ्री, ठीक है। मैं आपको एक प्रोमो कोड अभी लिख के दूंगा, वो प्रोमो कोड जब आप इस मोबाइल को अपने मोबाइल में, इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे और जब साइनअप करेंगे तो वहाँ पर आपको एक प्रोमो कोड लिखना है, वो प्रोमो कोड में जो बता रहा हूँ वो डाल देंगे तो आपको फ्री यूज़ करने का मिल जाएगा, और आपको एक महीने के 2500 रुपये इसको नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों प्रोमो कोड लिख के दे देता हूँ, क्या है वो प्रोमो कोड, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको प्रोमो कोड लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, आप यूज़ कीजिएगा उसको। ये है हमारा प्रोमो कोड, ठीक है, प्रोमो कोड है दोस्तों BHAR116, ठीक है। जब ये प्रोमो कोड आप उसमें डाल देंगे तो आपको दोस्तों फ्री में यूज़ करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। प्रोमो कोड हाइड हो गया है, यहाँ पर देखिए BHAR116 ये है, और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना दोस्तों। यहाँ पर आप ये कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, यहाँ पर आप ये देखिए, ये क्वांटसेप है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ये ऐप स्टोर पर मिल जाएगा, आप तुरंत इसका फ़ायदा उठाइए, फ्री में डाउनलोड कीजिए, कोई पैसा नहीं देना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर ये जब प्रोमो कोड आप यूज़ कर लेंगे तो आपको एकदम फ्री में यूज़ करना मिल जाएगा, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ दोस्तों दी गई जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे दोस्तों भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।